सुबह से ही एलविश यादव के खिलाफ चल रहे झूठ पर एलविश यादव का बड़ा प्रहार। सीएम योगी आदित्यनाथ से एलविश यादव ने कर दी बड़ी मांग। सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन ले बीजेपी सांसद मेनका गांधी से लड़ेंगे एलविश यादव और करेंगे वार पर वार। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द भारत शो। एलविश यादव ने लग रहे उन पर झूठे आरोपों पर एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने स्टेटस भी लगाया है और इसके साथ ही तमाम ट्वीट्स भी उनके तरफ से किए गए हैं। एक के बाद एक उनके तरफ से बयान आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मेनका गांधी ये कह रही हैं कि गिरफ्तारी जल्द होनी चाहिए। एलविश यादव सांप का जहर बेच रहे थे और एलविश यादव से ही हमने कॉन्टैक्ट किया था, ये कहना है मेनका गांधी का। मेनका गांधी का ये कहना है कि इस लड़के पर हमारी काफी दिनों से नजर थी, ये वीडियो में जंगली सांपों के साथ खेलता हुआ नजर आता था और इसीलिए हमने ये सोचा था कि जल्द इसे पकड़ेंगे। मेनका गांधी के बयानों से साफ पता चल रहा है कि ये ऑपरेशन ऐसे ही अंजाम नहीं दिया गया। एलविश यादव की भूमिका को ध्यान में रखते हुए और एलविश यादव को फंसाने के लिए ये पूरा प्लान जो है वो क्रिएट किया गया। अब एलविश यादव का नाम आ रहा है तो एलविश यादव ने इस पर क्या कहा है, खुद आप सुन लीजिए। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एलविश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एलविश यादव अरेस्ट हो गए, एलविश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए, ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एलविश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना कर, और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ऑल दो मेरा मन नहीं करता भाई कि मैं सीरियस माहौल में रहूँ या फिर सीरियस बातें करूँ ऐसी सारी चीज़ें, बट जो झूठी खबरें फैलती हैं ना खासकर मेरे खिलाफ, बेफालतू में भाई, ना मेरा कोई लेना देना इन चीज़ों से, ना मैं, मेरे तो व्लॉग्स देखते हो भाई, रोज़ व्लॉग्स आते हैं, कभी कहाँ हैं, कभी लंदन, कभी शूट कर रहे हैं मुंबई में, ऐसे तैसे कर रहे हैं, घर वालों के लिए घर पर टाइम नहीं दे पा रहे और ये सब काम करेंगे। वाह, इल्ज़ाम भी कैसे लगाएं, जहरीले सांपों का जहर, वाह भाई, यही तो काम बच रहे हैं मेरी ज़िंदगी में कि मैं जहरीले सांपों का जहर बेचूँ, ये किसी को दूँ, नशा करूँ इन चीज़ों का। वाह वाह, बहुत बढ़िया।